वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपन एनी ब्राउज़र लाइक क्रोम, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो। उसमें आपने लिंक फिल करना 192.168.1.1, ठीक है, वन एंटर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटअप पर जाएंगे। ये हमारा लॉगिन हो गया ZTE का मॉडम। इसमें हमने फिल करना है एडमिन, ठीक है, और नीचे हमने भरना है पासवर्ड। पासवर्ड है वेब, डब्ल्यू बड़ा आएगा, web@00063, ठीक है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया साइड पे, आप चेक कर लेना। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे, इंटरफेस आएगा हमारे सामने, हमने देखना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद हमें देखना है WLAN। WLAN के बाद 5G पे क्लिक करना है। 5G पे क्लिक करके सिक्योरिटी में, जाना है। सिक्योरिटी में हमें ये VPA पासवर्ड लिखा होगा, यहाँ पे जाके कोई भी रखना है चेंज कर देना है, ठीक है, जो अपने पासवर्ड रखना है, ठीक है, और पासवर्ड अपने चेंज करते हैं। पासवर्ड इसमें करना है, फिर उसके बाद अपने नेम चेंज करना है। SSD सेटिंग में जाके ZTE जो भी आपका नाम रखा हुआ है उसमें अपने जो भी रखना है वो रख सकते हो। उसके बाद अपने सेव कर देना। इसके बाद आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फॉरगेट करके दोबारा